नमस्कार बच्चों, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों के प्रवेश पत्र आ चुके हैं। एमपी बोर्ड के बच्चों के प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो प्रवेश पत्र मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार हम निकालेंगे और किस प्रकार हम चेक करेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और साथ साथ अगर आपके प्रवेश पत्र में कुछ भी गलती होती है, आपका नाम गलत आता है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ गलत छप जाती है, तो उसमें सुधार कैसे करेंगे। एक निश्चित समय अवधि दी गई है, 15 तारीख तक आप लोग को सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसके लिए हमारा डाटा ऑन कर लेंगे, आप देख सकते हो। डाटा ऑन करने के बाद फिर क्या करना है हमको, यहाँ पर जाना है हमको, यहाँ पर ये वेबसाइट में MPBSC है ना, MP ऑनलाइन है। यहाँ पर ये टाइप करना है ना, आप देख सकते हो। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये वेबसाइट यहाँ पर आपकी खुल जाएगी। इसके बाद फिर मेन एडमिट कार्ड केस यहाँ पर आपको ये टाइप करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना आवेदन क्रमांक यहाँ पर आपको अपना टाइप करना है, रोल नंबर यहाँ पर आपको अपना टाइप करना है, आवेदन क्रमांक, फिर इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका एक प्रकार से एडमिट कार्ड निकल करके आ जाएगा।